हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे देखिए मैंने इनर वर्क के वीडियो डाल दी है आप लोग एक बार देख लीजिएगा और एक बात मुझे कहनी थी ये वीडियो होगी सरेंडर पे कि सरेंडर आप लोगों को कैसे करना होता है ठीक है यूनिवर्स को एंजल्स को देखिए फ्रेंड्स अगर मेरी किसी वीडियो में आवाज़ आपको कम आ रही है तो प्लीज़ आप फोन यूज़ कर लीजिए थोड़ा सा साउंड बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन का क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इशू चल रहा है कोल्ड कोल्ड वगैरह हो चुका है थोड़ा सा तो मतलब इसी वजह से थोड़ा सा मतलब उस तरीके से वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रही हैं और वीडियो भी लेट हो रही है और आवाज़ भी थोड़ी कम जा रही है कुछ कुछ वीडियोस में ही है वह अभी जो लास्ट वीडियो गई है डी एफ डी एम एनर्जी की उसमें ऐसा है मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में कह भी दिया है क्योंकि अभी मैंने कमेंट कर दिया है उसमें कि आवाज़ थोड़ी कम है आप लोग ध्यान से समझिएगा बात को मेरी ठीक है अच्छा आप लोगों से मैं बात कर रही थी कि सरेंडर कैसे करना है मेरे से कहा गया कि सरेंडर कैसे किया जाता है सरेंडर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इनरवर्क पे फोकस करना होता है अपनी जर्नी पे फोकस करना होता है प्लस आपके सरफेस पे आपकी जर्नी में जो जो चीज़ें चल रही आपको वो सब भी ऑब्जर्व करनी होती हैं प्लस आपके डीएम की एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी में रहे ठीक है उस पर भी आपको काम करना होता है बट एक गलती जो है वो नहीं करनी होती है वो है बार बार अपने डीएम को स्टॉप नहीं करना होता है होल्डिंग की एनर्जी में नहीं रहना होता है बार बार उनकी डी को जा कर के देखना सोशल मीडिया पे उन्हें स्टॉक करना ठीक है मैसेज करना बार बार ये उनसे पूछना बार बार उनको मैसेज करना सवाल करना ये सब नहीं किया हो करना होता है ये सब इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि आप सब ये करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं आप होल्ड कर रहे हैं उनको अपने डी को होल्ड करेंगे तो क्या होगा चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी डिले हुएगी चीज़ें ठीक है इसीलिए मैंने कहा कि आपको इनर वर्क करना है ठीक है अपनी जर्नी पे फोकस करना है सरफेस पे जो भी चीज़ें चल रही हैं जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको भी ऑब्जर्व करना है साथ के साथ और अपने क्रिएटिव साइड पे भी काम करना होता है प्लस अब आपको करना क्या है सरेंडर की स्थिति में वो भी सुनिए सरेंडर की स्थिति में करना ये है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है बट उसमें एक्शन नहीं लेना है कोई भी एक्शन जब आपको लेना होगा तो आपका इंट्यूशन खुद आपको अंदर से कहेगा आपका हायर सेल्फ आपका ट्रू सेल्फ खुद आपको गाइड करेगा खुद आपका इंट्यूशन ये आएगा कि यस ये है एक्शन का टाइम और आप एक्शन लीजिए ठीक है मैंने ऑब्जर्व करने को क्यों कहा हर चीज़ को ऑब्जर्व करने को भी इसीलिए कहा ताकि आपको पता रहे कि आपकी जर्नी चल कहाँ रही है ठीक है अभी किस स्थिति में है सरेंडर करने के लिए आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं या आप कभी भी खाली भी बैठे हैं ग्रेटिट्यूड पे कीजिए मैंने आपको बोला है ग्रेटिट्यूड पे करना कितना ज़रूरी है यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए वो आपको हर चीज़ दे रहे हैं ठीक है आपकी आपको अवेयर किया आपको अवेकन किया आपको बताया कि आप ट्विन फ्लेम हो आप इस जर्नी में हो आप आइए इस जर्नी में आपको आपके ट्विन से मिलाया ठीक है और आपको बताया कि आपको इनर वर्क करना है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया आपको पता है इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको गॉड गॉड गाइडेंस और क्या नाम है एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट होकर के बताते हैं कि यस ये आपकी जर्नी है आप अपने सोल पर्पज़ पर काम कीजिए बहुत कम लोग हैं ऐसे तो आप उन लक्की पर्सन्स में से हैं आप उन लोगों को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ठीक है ग्रेटिट्यूड पे कीजिए साथ की साथ उनको बोलिए कि आपने हमें इस जर्नी में अवेकन किया है बताया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में प्लीज़ गॉड प्लीज़ एंजल्स प्रोटेक्ट भी करो हमको और हम हमको गाइड भी करो हमारी प्रॉब्लम्स को आप ही हैंडल करो हम कुछ नहीं कर रहे हम केवल अपना वर्क कर रहे हैं पॉजिटिविटी ला रहे हैं अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं अपने ट्विन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं ठीक है और हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी अवेकन करें दूसरों को भी आगे चलकर उनके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाएं, ठीक है उनको उनकी सभी प्रॉब्लम्स से निकाल सकें ठीक है उन लोगों की हेल्प कर सकें उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग रीयूनियन री में आए ठीक है तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए ठीक है हमें गाइड कीजिए मेरा इंट्यूशन लेवल पे आ, मेरी हेल्प कीजिए कि मैं उसे बहुत आ, अच्छे से अपने इंट्यूशन को समझ पाऊँ ठीक है उस पर काम कर पाऊँ उसे फॉलो कर पाऊँ ठीक है और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाऊँ मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता ना मैं डीपी स्टॉक कर रहा हूँ ना मैं सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हूँ उनको अगर उनका मैसेज आएगा तो मैं जवाब दूँगा अदरवाइज़ मैं उनको स्टॉक नहीं कर रहा हूँ ठीक है युनि, क्योंकि यूनिवर्स जब चाहेगा तब भी मतलब आपके पास मैसेज आएगा आपके पास कॉल आएगा आपके पास ये सब चीज़ें होंगी ये ध्यान रखिए वरना आप अगर स्टॉक करेंगे तो यूनिवर्स वही चीज़ें डिले करेगा आप अपनी मर्जी से नहीं हैं इस जर्नी में आपको यूनिवर्स ने एंजल्स ने ये जर्नी प्रदान की है तो प्लीज़ इसको समझिए ठीक है सरेंडर का मतलब ये है आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पे अपनी डीएम की एनर्जी पे बैलेंसिंग एनर्जी पे और अपने सरफेस पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सबको ऑब्जर्व करना है बस कुछ नहीं करना प्रे करनी है आपको बस ये मान लीजिए ठीक है सिर्फ प्रे करनी है कोई प्रॉब्लम है तो प्रे करनी है कुछ अच्छा हुआ है तो ग्रेट पे ग्रैटिट्यूड पे करना है और प्लीज़ इसमें कंजूसी मत कीजिए ठीक है ग्रैटिट्यूड पे कीजिए मैं आप लोगों से क्यों कहती हूँ कि आप लोग ब्लैसिंग्स दीजिए एक दूसरे को ठीक है ये सब कीजिए इन सब से चीज़ों से यार पता है बहुत फ़र्क पड़ता है आप लोगों को नहीं पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बोलिए थैंक यू एंजल्स थैंक यू यूनिवर्स ठीक है सब चीज़ करिए आपको अच्छे से इस जर्नी में आगे बढ़ना है रीयूनियन में आना है प्लस इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है सब कुछ अच्छा करना है आपको भी लोगों को गाइड करना है ठीक है चलिए फ्रेंड्स मैंने बता दिया है सरेंडर कुछ भी नहीं होता है सरेंडर का मतलब होता है आपको प्रे करना है सिर्फ आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं बट आप अपनी तरफ से जो भी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी आप वो अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं प्लस अपनी प्रे कर रहे हैं ठीक है प्रे कंप्लीट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं ये सब चीजें सरेंडर की स्थिति में आती हैं थैंक यू फ्रेंड